श्रीलंका विमेंस टीम पहली बार एशिया कप जीतने में कामयाब हुई है और इसका ज्यादा क्रेडिट जाएगा उनकी टीम की कप्तान को। इतना जबरदस्त परफॉर्म किया उनकी टीम की कप्तान ने, शायद ही कोई ऐसी महिला होगी जिसने एशिया कप में इतना अच्छा परफॉर्म किया होगा। आज एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका विमेंस टीम ने इंडिया विमेंस टीम को एक डोमिनेटिंग वे में हराया है। पूरे ही मैच में टीम इंडिया की बॉडी लैंग्वेज काफी कमजोर नजर आई, कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा था, मिसफील्ड बहुत हुई, कैचेस बहुत छूटे, गलत शॉट्स मारकर खिलाड़ी आउट हुए हैं और यही वजह है कि श्रीलंका आज हावी होती हुई नजर आई। इनकी टीम की कप्तान चमारी अट्टापट्टू ने 61 रनों की शानदार पारी खेली। जब आप 165 रन का पीछा कर रहे हैं तो ये 61 रन बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके लिए इनको प्लेयर ऑफ द मैच भी दिया गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि ये इनका तीसरा प्लेयर ऑफ द मैच है इस सीजन में। चमारी अट्टापट्टू ने 300 से ज्यादा रन विमेंस एशिया कप 2024 में बनाए हैं। ये बहुत रेयर होता है क्योंकि सेकेंड हाईएस्ट 210 रन है। आप 300 से ज्यादा क्रॉस कर जाओ, एक शतक, तीन अर्धशतक, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और श्रीलंकाई विमेंस टीम इस बार पूरे प्रिपरेशन के साथ आई थी, ट्रॉफी जीते हैं, अब एशिया जीत चुके हैं, अक्टूबर के महीने में होने वाले T20 विश्व कप की भी तैयारी अब बहुत अच्छे से हो चुकी है। भारत कहां हारा अगर उसकी बात करें तो वही कॉन्फिडेंस नहीं था, फील्डिंग बहुत खराब हुई, बहुत सारे कैचेस छूटे, मिसफील्ड बहुत सारे हुए, बहुत सारी बाउंड्रीज गई और बॉलिंग भी उस तरह की नजर नहीं है। एक पैनिक सिचुएशन नजर आ रही थी जब इंडियन विमेंस टीम बैटिंग और फील्डिंग दोनों कर रहे थे, जिसकी वजह से ये मुकाबला और टूर्नामेंट दोनों अब श्रीलंका के नाम रहेंगे। पहली बार श्रीलंका जीती है, 7 बार भारत और 1 बार बांग्लादेश, 9 के 9 बार भारत फाइनल में पहुंचा है, 6 बार श्रीलंका पहुंचा और पहली बार जीतने में कामयाब हुई है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी।